हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर सीटेट मैथ्स का एक और स्पेशल वीडियो लेकर के। समय का ये सेकंड वीडियो है। समय का पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम समय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि सीटेट हर बार परीक्षा में पूछता रहता है। तो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये सवाल आपका सी टेट 2014 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इस सवाल को करने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखो, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड। जब आप सप्ताह से दिन में जाओगे तो आप 7 से गुणा करोगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसीलिए दिन से घंटे में जाओगे तो 24 से गुणा करोगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटे से मिनट में जाओगे तो 60 से गुणा करोगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट से सेकंड में जाओगे तो फिर 60 से गुणा करोगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बस इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझिए इस चीज़ को। अब देखो सवाल, आप देखो सवाल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस प्रकार के सवालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, ये वाला हो गया। कितने से पहले वाला जो होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है, कितने से जो शुरू होता है वो सेकेंड पार्ट होता है। अब हम पहले पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। तो घंटों से किस पे जाना है, घंटों से सेकंड पे जाना है हमें, घंटों से सेकंड पे जाना है। तो कितने घंटे हैं, 6 घंटे हैं। इसमें सेकंड, सेकंड पे जाने के लिए देखो, हम एक सेकंड पे जब जाएंगे, हम घंटे से सेकंड पे जाएंगे तो 1.60 ये पड़ेगा और 1.60 ये पड़ेगा रास्ते में। तो हम क्या करेंगे, 60 से यहाँ गुणा कर दी, 60 से दोबारा गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम घंटे से सेकंड में जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 बार 60 पड़ रहा है, ठीक है, बराबर। कितने दिनों में मिनटों की संख्या, दिन नहीं पता है, हमने मान लिया कि x दिनों में मिनटों की संख्या बराबर होगी, x दिनों में मिनटों की संख्या। तो दिन से कहाँ जा रहे हैं, मिनट में जा रहे हैं, तो दिन से मिनट में जाओ, दिन से मिनट में जाओ। तो दिन से जब आप मिनट में जाओगे तो कोई 24 पड़ेगा और रास्ते में क्या पड़ेगा, 60 पड़ेगा, 24 गुणा 60। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो 6 गुणा 60 गुणा 60, ये तो ऊपर रहेगा, नीचे जो आ जाएगा x के साथ जो गुणा में होगा वो नीचे भाग में आ जाएगा। तो 24 गुणा 60, 60 से 60 कैंसिल कर दो, 6 चौक 24, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो देखो यहाँ पे 15 दिनों में मिनटों की संख्या भाग 1 हो गया, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के भाग 2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या से, अब यहाँ पे देखो सभी ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, आर 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 और आर, मतलब घंटों में दिए हुए हैं, आर का मतलब घंटे। तो ये सभी ऑप्शन घंटे में दिए हुए हैं। तो सवाल ये है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है कितने घंटों, सॉरी कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के, ये सवाल आपका बन गया। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो पहला पार्ट है 15 दिनों में मिनटों की संख्या। अब हम देखो 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बारे में बात करें तो 15 दिन से कहाँ जा रहे हैं, मिनट में। और अगर हम दिन से मिनट में जाते हैं तो आपको पता होगा, दिन से मिनट में जाएंगे तो पहले 24 पड़ेगा फिर 60 पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 से गुणा करेंगे फिर हम यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, बराबर। कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, घंटों से सेकंड में जा रहे हैं, तो घंटे हमने मान लिया एक्स, अगर घंटे से सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर देखो, घंटों से जब सेकंड में जाएंगे तो ये 60 पड़ रहा है, ये 60 पड़ रहा है। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, 60 60 से गुणा कर देंगे, 60 गुणा 60, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 15 गुणा 24 गुणा 60 बटे में 60 गुणा 60, 60 से 60 कैंसिल कर दो, 15 चौक 60, 4 छक 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 घंटे, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 घंटे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप का, 2 सप्ताह में मिनटों की संख्या कितने घंटों में
मिनटों की संख्या के बराबर होगी, 2 सप्ताह में मिनटों की संख्या। ये सवाल मैंने खुद से लिया है। तो देखो सप्ताह से किस में जा रहे हैं हम, सप्ताह से जा रहे हैं मिनट में। यहाँ से ये यह हो गया पहला पार्ट और बाकी जो बचा आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो पहले पार्ट को हम लिखेंगे 2 सप्ताह में मिनटों की संख्या। तो 2 सप्ताह 2 गुणा सप्ताह से किस में जा रहे हैं, मिनट में जा रहे हैं। तो सप्ताह से जब मिनट में जाएंगे, देखो सप्ताह से मिनट में आओ तो 7 पड़ेगा, 24 पड़ेगा और 60 पड़ेगा। तो 2 गुणा 7 गुणा 24 गुणा 60 बराबर कितने घंटों में मिनटों की संख्या। तो घंटे हमने मान लिया x, x घंटों में मिनटों की संख्या। तो घंटे से मिनट में जा रहे हैं, घंटे से मिनट में जाएंगे तो केवल 60 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 60। तो x के यहाँ से निकालोगे 2 गुणा 7 गुणा 24 गुणा 60 बटे 60, 60 60 कैंसिल कर दो, एक्स बराबर आ जाएगा 14 गुणा 24, मतलब 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 होते हैं आपके 33, 336 मिनटों के कितने घंटों में। तो ठीक है यहाँ पर आएगा आपका 336 घंटे, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को, और कुछ और क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।